बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स नाउ में। मेरा नाम है शुभेंदु पांडे। क्या क्रिकेट के मैदान से अर्जुन तेंदुलकर की हो गई है आखिरी विदाई? क्या क्रिकेट में फिर से नजर नहीं आएंगे अर्जुन तेंदुलकर? क्या अर्जुन तेंदुलकर का करियर खत्म हो गया है? ये वो सवाल हैं जो पिछले कुछ दिनों से लगातार पूछे जा रहे हैं। उसके पीछे की वजह क्या है वो आपको इस वीडियो में बताएंगे और साथ ही उस सवाल का जवाब भी देंगे कि आखिर अर्जुन तेंदुलकर इस वक्त हैं तो हैं कहां पर, और फाइनली अर्जुन तेंदुलकर के उस गुस्से के बारे में बताएंगे जो उन्होंने सोशल मीडिया पर जाहिर किया है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। अब आते हैं इस रिपोर्ट पर। दरअसल अब से कुछ दिन पहले गोवा की टीम ने अपने अगले साल के रणजी ट्रॉफी के लिए संभावित खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की। उस लिस्ट में 28 खिलाड़ियों का नाम था, लेकिन अर्जुन तेंदुलकर का नाम उस लिस्ट में नहीं था, जिसके बाद से ये सवाल गूंजने लगे, ये सवाल पूछे जाने लगे कि क्या अर्जुन तेंदुलकर गोवा की टीम छोड़ने वाले हैं, क्या अर्जुन तेंदुलकर नई टीम ज्वाइन करने वाले हैं। ये तमाम सवाल अभी पूछे जा रहे हैं जिसका जवाब अभी भी आना बाकी है अर्जुन की तरफ से या गोवा की टीम की तरफ से। यानी कि गोवा की टीम की तरफ से इस बार रणजी ट्रॉफी में अर्जुन तेंदुलकर हिस्सा नहीं होंगे। पिछले बार अगर आप देखें तो उस तरीके से वो गोवा की तरफ गए थे जब उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया, डेब्यू में ही शतक मारा था। आपको रिकॉर्ड भी आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन अब बता देते हैं कि आखिर अर्जुन तेंदुलकर इस वक्त कहां पर है। अर्जुन तेंदुलकर को लेकर जो सवाल है कि अर्जुन तेंदुलकर अभी कहां पर है, तो अर्जुन तेंदुलकर की अगर बात कर ली जाए तो वो देवधर ट्रॉफी का हिस्सा है जहां पर साउथ जोन की टीम में खेल रहे हूं, लेकिन पहला मुकाबला जो खेला गया वहां पर उनको मौका नहीं मिला और अभी मुश्किल है कि उनको उस प्लेइंग 11 में मौका मिले, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर अच्छे अच्छे गेंदबाज वहां पर खेल रहे हैं। तो ये है अर्जुन तेंदुलकर की वजह कि उनको टीम से निकाला गया, और ये वजह है कि आखिर वो क्यों, अगर बात कर ली जाए कि अभी कहां पर है। लेकिन अब बात कर लेते हैं, उन आंकड़ों को जान लेते हैं कि अर्जुन के आंकड़े कैसे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, जिनके बारे में इतनी बात भी हो रही है। अब दिखाते हैं आपको उनको लिस्ट ए का करियर और उनके सबसे पहले आपको दिखा देते हैं आईपीएल का करियर। दरअसल अर्जुन तेंदुलकर के अगर आईपीएल की करियर की बात करें तो इस साल पिछले साल उन्होंने आईपीएल में डेब्यू किया था, जहां पर 4 मैचों में 13 रन बनाए उन्होंने और साथ ही 3 विकेट भी अपने नाम की। और बाकी अगर बात कर ली जाए अर्जुन के, जिसमें उन्होंने अच्छी गेंदबाजी भी की थी मुकाबलों में, एक मुकाबले में उनके एक ओवर में 30 रन पड़ गए थे, लेकिन बाकी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। और नहीं बात कर ली जाए अगर ओवरऑल कैरियर की, तो उन्होंने लिस्ट ए में 7 मुकाबले खेले हैं, इस दौरान उन्होंने 25 रन बनाए हैं और 8 विकेट उन्होंने लिए हैं। साथ ही अगर बात करें फर्स्ट क्लास कैरियर की, तो उन्होंने 7 मैचों में 223 रन हैं उनके, और फिर वहां पर 12 विकेट भी हैं, जिनमें से एक शतक जो उन्होंने अपने डेब्यू मुकाबले में बना दिया। सो अगर उस शतक को निकाल दें तो बाकी के 6 मुकाबले में उनके उसके अलावा 110 रन ही रह जाते हैं। तो ये है अर्जुन तेंदुलकर का पूरा रिकॉर्ड। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि आखिर इन तमाम मुद्दों पर अर्जुन की तरफ से गुस्सा क्यों जाहिर हुआ है। दरअसल अर्जुन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर अपना गेंदबाजी करते एक वीडियो डाला है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, अर्जुन इस वीडियो में एक शॉर्ट बॉल डाल रहे हैं जो बल्लेबाज के सर के पास लग रही है, और कहीं ना कहीं अर्जुन ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी उनके अंदर क्रिकेट बाकी है, उनके अंदर गेंदबाजी करने की ललक बाकी है। पर अब देखने वाली बात रहेगी कि इस डिसीजन पर ये अर्जुन का क्या फैसला होता है कि किस टीम से खेलेंगे, उस पर लगातार आप तक हम अपडेट पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बाकी आपको क्या लगता है कि अर्जुन का करियर अभी कितना बाकी है, और साथ ही क्या लगता है कि वो किस टीम से डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलने वाले हैं? बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।